गर्मियों के मौसम के लिए आज हम बनाएंगे एकदम ठंडा ठंडा ड्रिंक, वो भी घर के बिल्कुल बेसिक सामान से, जिसको पी के आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की। इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 कप शक्कर, इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी, तो मतलब जितनी शक्कर है उसका बिल्कुल आधा पानी डालना है हमें। गैस को हम ऑन कर लेंगे और शक्कर को हल्का सा पिघला लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप वाइट शुगर यूज़ करना ना चाहें तो। तो ये देखिए शक्कर अब ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है, तो हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो हम डालेंगे सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक और 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड, या फिर जिसको कि नींबू के फूल भी कहा जाता है। इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सिट्रिक एसिड बहुत अच्छे से पानी में घुल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के भुने जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और इनको भी अच्छे से मिला देंगे। तो आज हम यहाँ पे ना काला खट्टा का कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं, और फिर इसी से मैं आपको शरबत बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग टेस्टी होता है। और सबसे अच्छी बात है इस कॉन्सेंट्रेट की ना, कि आप बहुत लंबे टाइम तक इसको रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ी देर तक कुक कर लेना है, मतलब मुश्किल से 4 से 5 मिनट इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे हम, जिससे थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। जब तक हमारी शक्कर बॉयल हो रही है, यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच सब्जा के सीड्स, या जिसको स्वीट बेसिल भी कहते हैं या फिर तुक मलंगा भी कहते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम साइड में रखेंगे। इससे ना शरबत का टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और आज हम काला खट्टा बना रहे हैं, जिसका कि कलर आपको पता है ब्राउन होता है, तो मेरे पास ब्राउन कलर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेड फूड कलर लेंगे और इसमें हम मिक्स कर देंगे ग्रीन फूड कलर। तो जितना रेड फूड कलर लें उतना ही ग्रीन फूड कलर मिक्स करें, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे बस इसमें। और ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट ब्राउन कलर जो है बनके तैयार हो जाता है। और ये देखिए हमारी शक्कर अब बहुत अच्छे से पक चुकी है, और इसको बस मैंने 4 मिनट ही पकाया है। हम क्या करेंगे, इसमें एक कलर डाल देंगे जो कि हमने तैयार किया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो क्योंकि आज हम काला खट्टा बना रहे हैं ना, इसलिए हमने कलर यूज़ किया है। तो अगर आप कलर यूज़ ना करना चाहें ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, तो ये देखने के लिए कि हमारा सिरप जो है तैयार है कि नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो सिरप है अपने हाथ में लेंगे, और इस तरह से अगर आप अपने हाथ में इसको रब करेंगे तो देखिए काफ़ी चिकनाहट आएगी इसमें। और हमें ध्यान रखना यहाँ पे ना एक भी तार की चाशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी ये सिरप जैसे जैसे ठंडा होगा ना, वैसे वैसे और गाढ़ा होता जाएगा। तो बस हम इसको ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए हमारा कॉन्सेंट्रेट बनके बिल्कुल तैयार है और ठंडा हो गया है। तो बस अब हम इसको छान लेंगे। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, पर मसाले ना थोड़े से मुँह में आते हैं, तो टेस्ट जो है थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगता है। तो यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाढ़ा है, पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे तो क्या होगा, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और अगर आप इसको बहुत पतला रखेंगे तो ये पनीला पनीला लगेगा। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट अब शरबत बनाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर 2 ग्लास शरबत बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर पानी लिया है, और इस पानी को मैंने बहुत अच्छे से उबाल लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर को हम हल्का सा मिला देंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी ही शक्कर मिल गई है, और अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारे पुदीने के फ्रेश पत्ते, और इसको कवर कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो पुदीने का जितना भी एसेंस है और जितनी खुशबू है इस पानी में आ जाएगी, और हमारा शरबत बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो बस हम 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे फ्रिज में रख दिया था, जिससे अच्छे से ही ना ये चिल्ड हो गया है। तो बस अब हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए शरबत बनाने के लिए हमारा मिंट का पानी तैयार है, और यहाँ पर है हमारा कॉन्सेंट्रेट। थोड़ी सी मैंने आइस रख ली है यहाँ पर, और ये देखिए सब्जा के सीड्स भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं, और हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। शरबत बनाने के लिए आप कोई भी टॉल ग्लास ले लें, और सबसे पहले उसमें डाल दें 2 चम्मच के करीब सब्जा के बीजे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कॉन्सेंट्रेट जो हमने तैयार किया था, और जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेट है आप उसको बॉटल में भर के फ्रिज में रख लें, ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ, जो कि इसको बहुत ही रिफ्रेशिंग बना देगी। और अब हम इसमें डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा मिंट वाटर, जो कि हमने तैयार करके रखा था। इन सबको बहुत अच्छे से मिला देंगे आपस में, और बस इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, और इसको गार्निश कर देंगे पुदीने की पत्ती के साथ। तो इस गर्मी के मौसम में आप ये ड्रिंक बना के ज़रूर तैयार करिएगा,
और आप पहले से भी सब कुछ बना के रख सकते हो, मतलब पूरा ड्रिंक बना के रख सकते हो, और इसमें आइस आप बस तब डालिएगा जब आप इसको पीने वाले हो, नहीं तो ना इसका टेस्ट जो है पानी पानी जैसा हो जाएगा। तो ट्राई करके देखिएगा, एकदम ठंडा, मज़ेदार, खट्टा, चटपटा, मीठा ये ड्रिंक आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।